हेलो, आज का हमारा टॉपिक है एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट्स होता क्या है, यानी अनडिज़ायरेबल और अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मींस जब हम किसी भी ड्रग या मेडिसिन को लेते हैं और उसका कोई ऐसा इफ़ेक्ट आए जो कि हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम एडवर्स इफ़ेक्ट बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल से बात करेंगे तो अगर हम H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग को यूज करते हैं तो उसके साथ हमें सेडेशन एज ए साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। जो एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं वो रेयर नहीं होते हैं, 10-25% जो एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं उनको हम क्लिनिकल ट्रायल्स में ही जान लेते हैं और डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ओके, एडवर्स इफ़ेक्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेडिक्टेबल टाइप ए और ऑगमेंटेड रिएक्शन, सेकेंड वन इज अनप्रेडिक्टेबल टाइप बी और बिजारे रिएक्शन। अब हम बात करते हैं प्रेडिक्टेबल टाइप ए और ऑगमेंटेड रिएक्शंस की। तो ये क्या होता है, ड्रग की फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होती हैं, जो बहुत ही कॉमन होती हैं, डोज रिलेटेड होती हैं, प्रिवेंटेबल और रिवर्सिबल होते हैं। बात करें टाइप बी और बिजारे रिएक्शन की, तो ये पेशेंट की पिक्यूलैरिटीज़ पे डिपेंड करती हैं या बेस्ड होती हैं। ये बहुत कम कॉमन होती हैं, नॉन डोज रिलेटेड होती हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं। अगर इस टाइप के एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं तो ड्रग को विथड्रॉल कर लिया जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि फार्माकोविजिलेंस क्या होता है। फार्माकोविजिलेंस बेसिकली वो साइंस एंड एक्टिविटीज़ होती हैं जो ड्रग के एडवर्स इफ़ेक्ट को डिटेक्ट करती हैं और उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करती हैं। तो इसकी डिफिनेशन देखेंगे, साइंस एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफ़ेक्ट्स और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके, अब हम बात करते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसमें फर्स्ट है साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, अनवांटेड अनएवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक इफ़ेक्ट दैट अकर एट द थेरेपेटिक डोजेज। ये बहुत ही कम सीरियस होते हैं और इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट है प्रोमेथाजोन जो कि सेडेशन कॉज करता है, सेकंड है कोडीन जो कि कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, थर्ड पॉइंट कह रहा है ए साइड इफ़ेक्ट्स में बी बेस्ड ऑन द सेम एक्शन एज द थेरेपेटिक इफ़ेक्ट। ये इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। इसके कहने का मतलब है कि जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो हमारे ड्रग या मेडिसिन के थेरेपेटिक इफ़ेक्ट के सेम होता है। तो इसमें हम एग्जांपल देखेंगे, एट्रोपिन को हम एंट्री सेक्रेटरी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में, बट अगर इसी एट्रोपिन को हम किसी और डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं तो इसके एंटी सेक्रेटरी प्रॉपर्टीज़ के वजह से ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है जो कि साइड इफ़ेक्ट होता है। ओके, अब बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट की जो कि है सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स। तो दीज आर इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग। इसका एग्जांपल है अगर हम टेट्रासाइक्लिन को यूज़ करते हैं बैक्टीरियल फ्लोरा के सप्रेशन में तो ये सुपर इन्फेक्शन कॉज करता है। ओके, थर्ड पॉइंट है टॉक्सिक इफ़ेक्ट। टॉक्सिक इफ़ेक्ट बेसिकली ओवरडोज या प्रोलॉन्ग यूज़ के वजह से होता है। अगर हम किसी भी ड्रग को प्रोलॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं या उसका ओवरडोज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सिक इफ़ेक्ट आता है। इसमें एग्जांपल है बारबिट्यूरेट्स, अगर बारबिट्यूरेट्स का ओवरडोज हो जाता है तो कोमा कॉज करता है, मॉर्फिन रेस्पिरेटरी फेल्योर करता है, इमिप्रामिन कार्डियक अरेथमिया कॉज करता है, और अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम एंटी ट्यूबुलर ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं तो वेस्टिबुलर डैमेज कॉज करता है। ओके, फोर्थ पॉइंट है इनटॉलरेंस। अगर जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट है वो ड्रग के थेरेपेटिक डोज पे दिखने लगे तो इसको हम बोलते हैं इनटॉलरेंस, अपीयरेंस ऑफ टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग एट द थेरेपेटिक डोजेज। बात करें एग्जांपल की तो फर्स्ट एग्जांपल है ट्राइफ्लुप्रोमाजीन जो कि मसल डिस्टोनिया कॉज करता है, सेकेंड है कार्बामेज़ेपिन जो कि अटैक्सिया कॉज करता है, और थर्ड है क्लोरकिन जो कि वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन को कॉज करता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो है इडियोसिनक्रेसी। ये क्या होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी होता है किसी भी केमिकल के लिए। इसमें क्या होता है, ड्रग इंडिविजुअल पेशेंट के यूनिक फीचर से इंटरैक्ट करता है और
अनकैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देखने को मिलता है हमें। इसमें एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट है बारबिट्यूरेट, जो कि एक्साइटेशन एंड मेंटल कन्फ्यूजन कॉज करता है। सेकंड है क्लोरामफेनिकॉल, जो कि एप्लास्टिक एनेमिया कॉज करता है। क्विनिन और क्विनिडिन क्रैम्प एंड डायरिया कॉज करते हैं। ओके, ये बेसिकली जेनेटिक फीचर पर डिपेंड करता है पेशेंट के। ओके, सिक्स पॉइंट है ड्रग एलर्जी। ड्रग एलर्जी बेसिकली इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड रिएक्शन होती हैं, जो कि जनरली बहुत ही कम डोजेस पे भी देखने को मिलती हैं। इसको हम ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी बोलते हैं। बात करें इसके मैकेनिज्म और टाइप की, तो ये बेसिकली दो टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट है ह्यूमरल और सेकेंड है सेल मीडिएटेड। ह्यूमरल में आता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और सेल मीडिएटेड में आता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब हम बात करते हैं टाइप 1 रिएक्शन की, या इसको हम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ई प्रोड्यूस होता है, जो कि मास्ट सेल के साथ इंटरैक्ट करता है। जब ड्रग का एक्सपोजर होता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं और रिलीज कराती हैं हिस्टामिन, 5-HT, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन और पैफ को। पैफ मतलब प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, जिससे क्या होता है, अर्टिकारिया, ईचिंग, एंजियोएडिमा, ब्रोंकोस्पाज्म, राइनाइटिस, एनाफाइलेक्टिक शॉक एक्सेट्रा देखने को मिलते हैं। ओके, अब बात करते हैं टाइप 2 रिएक्शन की, जिसको साइटोलिटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें ड्रग जो होता है वो स्पेसिफिक टिशू या सेल के कंपोनेंट से बाइंड होता है, और इसमें जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। अगर इसको याद करना है तो सिंपल सा ट्रिक है ZM, मतलब गुड मॉर्निंग। ओके, जिससे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट होती हैं और साइटोलिसिस हो जाता है। ओके, इसमें एग्जांपल है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ए ग्रैनुलोसाइट, SLE, मतलब सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमोटस। ओके, अब बात करते हैं टाइप 3 रिएक्शन को, जिसको हम अरेथ्रस रिएक्शन बोलते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, ये मीडिएट होता है एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन जी के थ्रू। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जो कि प्रिसिपिटेट होते हैं वैस्कुलर एंडोथिलियम पे। इसके मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, रेसेस, सिकनेस, स्टीन जॉनसन सिंड्रोम, एरेथ्राइटिस एक्सेट्रा। ओके, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या टाइप 4 रिएक्शन या डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, ये बेसिकली टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन के साथ मीडिएट होते हैं। एंटीजन जो होता है वो टी सेल पे प्रेजेंट रिसेप्टर पे बाइंड होता है और प्रोड्यूस करता है लिम्फोकाइनेसिस, जो कि ग्रैनुलोसाइट को अट्रैक्ट करते हैं और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस को जेनरेट करते हैं। इसमें एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। हमारा सेवेंथ पॉइंट है फोटो सेंसिटिविटी। इट इज़ क्यूटेनियस रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द ड्रग इंड्यूस्ड सेंसिटाइजेशन ऑफ स्किन टू द यूवी रेडिएशन। ओके, ये बेसिकली दो टाइप का होता है, फर्स्ट वन इज फोटोटॉक्सिक एंड सेकेंड वन इज फोटो एलर्जिक। अब बात करते हैं फोटोटॉक्सिक क्या होता है। इसमें क्या होता है, ड्रग और उसके मेटाबोलाइट जो होते हैं वो स्किन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फोटोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, जिससे लोकल टिश्यू डैमेज होता है। इसका एग्जांपल है इरिडेमा और ब्लिस्टरिंग। ओके, सेकंड है फोटो एलर्जिक। ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट इंड्यूस ए सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स विच ऑन एक्सपोजर टू द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ 320 to 400 nanometer। इसमें क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स को मीडिएट करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस इज स्टेट इन विच यूज ऑफ ड्रग फॉर द पर्सनल सेटिस्फैक्शन इज अकॉर्डेड ए हायर प्रायोरिटी देन अदर बेसिक नीड्स। मतलब कि ड्रग डिपेंडेंस में जो इंडिविजुअल पेशेंट होता है वो ड्रग या मेडिसिन को अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ करता है। उसको किसी भी मेडिसिन की नीड नहीं होती, फिर भी वो उसका यूज़ करता है, तो इसको हम बोलते हैं ड्रग डिपेंडेंस। इसमें फर्स्ट है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, डेवलप व्हेन द इंडिविजुअल बिलीव्स दैट ऑप्टिमल स्टेट ऑफ वेल बींग इज अचीव्ड ओनली द यूज ऑफ द ड्रग। इसमें क्या कह रहा है कि साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में पेशेंट को ऐसा लगता है कि अगर वो इस दवा को ले लेगा तो वो अच्छा हो जाएगा, मतलब वो उसका साइकोलॉजिकली होता है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता, फिर भी वो लेता है, तो इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। सेकंड है फिजिकल डिपेंडेंस।
इट इज़ अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टेट प्रोड्यूस्ड बाय रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। इसमें क्या होता है, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग की वजह से फिजिकल डिपेंडेंस हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ओपियोइड्स है, बारबिट्यूरेट्स है। थर्ड है ड्रग एब्यूज़, यूज ऑफ ड्रग बाय सेल्फ मेडिकेशन इन अ मैनर एंड अमाउंट दैट डेविएट्स फ्रॉम द अप्रूव्ड मेडिकल एंड सोशल पैटर्न इन ए गिवन कल्चर एट ए गिवन टाइम। ड्रग एब्यूज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर हम किसी भी ड्रग को अनअप्रूव्ड मेडिकल और सोशल पैटर्न में यूज़ करते हैं तो उसको हम ड्रग एब्यूज़ बोलते हैं। इसमें हम बात करेंगे तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आता है, जिसको कि क्या होता है, एथलीट यूज करते हैं अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, तो ये एक टाइप का ड्रग एब्यूज़ होता है। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है ड्रग एडिक्शन, इट इज़ द पैटर्न ऑफ कंपल्सिव ड्रग यूज़। कंपल्सिव ड्रग यूज़ का मतलब होता है हमें मजबूरी में ही वो ड्रग लेनी ही पड़ती, मतलब हम एकदम मजबूर हो जाते हैं उस ड्रग को लेने के लिए। इसका एग्जांपल है LSD, एम्फेटामिन, कैनाबिस एक्सेट्रा। ओके, मतलब आपने देखा होगा कि जो पेशेंट, मतलब जो लोग LSD लेते हैं तो उनको जब उस टाइम पे LSD नहीं मिलता है तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये कंपल्सिव ड्रग यूज़ वर्ड जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मजबूरी में उनको लेना ही पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं ड्रग एडिक्शन। फिफ्थ पॉइंट है ड्रग हैबिचुएशन, इट डिनोट्स लेस इंटेंसिव इन्वॉल्वमेंट विद द ड्रग सो दैट इट्स विथड्रॉल प्रोड्यूस ओनली माइल्ड डिसकम्फर्ट। इसमें अगर हम उसके विथड्रॉल को करते हैं तो माइल्ड डिसकम्फर्ट हमें देखने को मिलता है, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी होगा, टोबैको हो गया। टोबैको तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने अपने ही समाज में देखा होगा कि वो टोबैको खाते हैं और टोबैको को छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उससे उनको डिसकम्फर्ट्स होने लगते हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ड्रग हैबिचुएशंस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेराइटोजेनिसिटी, जो कि आज का हमारा लास्ट पॉइंट है। ओके, इट रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू द प्रेग्नेंट मदर। ये कह रहा है कि अगर हम मेडिसिन को किसी प्रेग्नेंट वोमेन को देते हैं और वो मेडिसिन या ड्रग फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज करता है या उसके फीटल को हार्म पहुँचाता है तो इसको हम बोलते हैं टेराइटोजेनिसिटी। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो थायरिडोमाइड है जो कि फोकोमेलिया कॉज करता है, एंटी कैंसरस ड्रग क्लिफ्ट पैलेट या फीटल डेथ कॉज करते हैं, एंड्रोजन विरिलाइजेशन कॉज करता है, प्रोजेस्टिन विरिलाइजेशन ऑफ फीमेल फीटल कॉज करता है, टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, डिसकलर्ड एंड डीफॉर्म्ड टीथ और बोन रिटार्डेशन करता है, वारफेरिन से क्या होता है, डिप्रेस्ड नोज होता है, फेनिटोइन क्या होता है, क्लिफ्ट लिप या क्लिफ्ट पैलेट कॉज करता है, कार्बामाज़ेपिन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज करता है, वेलप्रोवेट सोडियम स्पाइना बिफिडिया कॉज करता है, एल्कोहल से क्या होता है, लो आईक्यू बेबी हो जाता है, एस इनहिबिटर हाइपोप्लेसिया ऑफ ऑर्गन करता है, लिथियम फीटल गोइटर करता है, एंडोमेथासिन या एस्पिरिन प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। अब बात करते हैं लास्ट ड्रग की, जो कि है हमारा आइसोटेट्रानोइन, जो कि क्रैनियोफेसियल हर्ट एंड CNS डिफेक्ट कॉज करता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।